2022 के चुनाव में किसकी सरकार बनने वाली है? योगी जी। अखिलेश की सरकार में हुआ था इतना गुंडागर्दी? अखिलेश की सरकार में ज्यादा नहीं है बिल्कुल भी, वो तो आई नहीं चाहिए, योगी की ही सरकार आएगी। जो काम किए बीजेपी ने इसलिए दिख रही है हमें, अब से पहले किसी ने नहीं बनाया, बस कागजों में काम हुए थे अब से पहले। अखिलेश की सरकार में 5 साल हुआ? नहीं जी, गुंडागर्दी हुई है, तो सिर्फ गुंडागर्दी हुई है, तो वापस आएंगे तो गुंडागर्दी हो जाएगी अखिलेश के साथ। योगी जी लेडीजों का निकलना भरना भी भारी था जी 5 साल पहले, आज तक पत्थरबाजी रुकी थी, इस सरकार में रुक गई। अगर महंगाई बढ़ रही है तो विकास भी तो हो रहा है, और अब दंगाइयों को देखो, जो ट्रेन बस आगजनी करते थे उनके पोस्टर लगवा दिए जाए चौराहे पे, अब करके देख लो कोई भी। पर राष्ट्रीय हित के लिए और हिंदू तत्व के लिए इससे बढ़िया सरकार नहीं। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सोनाली। इस वक्त कैपिटल टीवी की टीम पहुंच गई है मोदी नगर के सबसे मशहूर गांधी मार्केट में, और यहां पे मैं एक चाट वाले भैया के साथ खड़ी हूं। भैया क्या लगता है किसकी सरकार आएगी 2022 में? मोदी की सरकार ज्यादा हुआ है इस टाइम में। आपको क्यों? उन्होंने देखो यूपी में सही काम किया है, सारी जगह जो काम होगा आगे भी सही रहेगा और आने वाले टाइम में भी सही काम करेगी। 5 साल में पूरा विकास हुआ है, बहुत बढ़िया काम किया है। राशन पानी बढ़िया मिल रहा है सब जगह। आगे एक लोगों से बातचीत करेंगे, देखेंगे। चाट भंडार में मैं मौजूद हूँ इस वक्त और मैं बातचीत करना चाहूंगी चाट वाले भैया से। भैया जी क्या लगता है 2022 के चुनाव में किसकी सरकार बनने वाली है? योगी जी। क्यों? क्षेत्र का विकास। क्या हुआ क्षेत्र का विकास? रैपिड रेल आ रही है और विकास कार्य चल रहे हैं, बराबर चल रहे हैं। 5 साल का कार्यकाल से बहुत खुश है? बहुत खुश। अखिलेश की सरकार में हुआ था इतना गुंडागर्दी? हाँ जी। और अगर अखिलेश वापस आ गए तो गुंडागर्दी बढ़ेगी? जरूर बढ़ेगी। ठीक है, और बोल रहे गुंडागर्दी खत्म होने के बाद कुछ महिलाएं मौजूद है मैम, 2022 के चुनाव में क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? हाँ जी योगी। क्यों? क्योंकि उनकी अच्छी सरकार है इसलिए। क्यों अच्छी सरकार है, क्या विकास किया उन्होंने? हर चीज का विकास किया उन्होंने, स्कूल में कॉलेज में हर चीज में किया है, कहा नहीं किया उन्होंने। रोजगार मिला? हाँ जी जरूर। और सुरक्षा की बात करूँ तो? हाँ जी वो भी बिल्कुल अच्छी है। अखिलेश की सरकार में ज्यादा नहीं है बिल्कुल भी, वो तो आई नहीं चाहिए, योगी की सरकार आएगी। भाई साहब क्या लगता है 2022 के चुनाव में किसकी सरकार बनेगी? योगी। योगी क्यों? योगी अच्छा है, बस सरकार अच्छी है उसकी। क्या विकास हुआ है? विकास सब कुछ कर रहे हैं, बढ़िया सरकार है योगी की। अगले की सरकार भ्रष्टाचार है ज्यादा, वापस आ जाएंगे तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा? हाँ वो तो मिलेगा ही। आगे बढ़ते आगे लोगों से आगे बढ़ते जाते हैं मार्केट में, आपको बताते जाएंगे कि यहाँ की जनता का क्या मूड है। भैया जी 2 सेकंड आपके चाहूंगी, क्या लगता है 2022 के चुनाव की बात करूं किसकी सरकार बनती दिख रही है आपको? मैं तो जी बीजेपी की दिख रही है बनते हुए। क्यों? जो काम किया बीजेपी ने इसलिए दिख रही है हमें। क्या क्या काम हुआ है? हमारे मोदी ने सबसे पहले ना तो सिवर की लाइन थी, ना ये हाईवे था, जॉब कर रहे हैं, अब हर जगह तो हाईवे बना रहे हैं ये लोग, अब से पहले किसी ने नहीं बनाया, बस कागजों में काम हुए थे अब से पहले, इसलिए मैं देख रही हूँ काम को सलाम है। सपा और बीजेपी की कोई टक्कर लग रही है इस बार? सपा बीजेपी की तो टक्कर इसलिए है कि थोड़ी बहुत तो सपा ले गई सीट, ज़्यादा तो ले नहीं पाने की, लेकिन योगी जी आएंगे। योगी जी आएंगे अब की बार। ठीक है, क्या क्या लगता है भैया जी योगी जी आएंगे वापस? योगी जी क्योंकि योगी जी काम कर रहे हैं शहर के लिए, देश के लिए काम कर रहे हैं उन्होंने देश के लिए काम करा योगी जी। क्या देश के लिए काम? हर जगह उन्होंने तरक्की लाई है, शहर में हर जगह जिलों में गांवों में सब तरक्की आ रही है, विकास हुआ है पूरा आप कह रहे हैं। ठीक है, आगे और बातचीत करते हैं लोगों से, बढ़ते जाएंगे आपको दिखाते जाएंगे लोगों की राय लोगों का मूड। क्या लगता है बाबा 2022 में किसकी सरकार बनती दिख रही है आपको? सरकार तो मुझे लगा मोदी की बनती दिख रही है। क्यों 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 मोदी के ढंग लग रहे हैं जी। क्या विकास हुआ है? राम मोदी बढ़िया आदमी है, बढ़िया काम कर रहा। तो योगी और मोदी की जोड़ी अच्छी लगती है? हाँ जी बढ़िया लगा है जी हमें तो खूब। 2022 के चुनाव में क्या धूम मचाएंगे? क्या धूम मचाएगा, उसे देंगे वोट बस। भैया जी क्या आप किसको वोट देने वाले हैं इस बार? मोदी को ही वोट देंगे। और क्या काम किया उन्होंने? सब काम कर रहे हैं, ऐसा कौन सा काम है जो उन्होंने नहीं किया? अखिलेश की सरकार में हुआ था कोई विकास? ऐसा हुआ या नहीं हुआ फिर भी हम वोट मोदी को ही देंगे। क्यों? क्योंकि इसलिए जो अब तक हमारी अखिलेश सरकार नहीं कर पाई है उसने जो है 10 साल आने वाले में बहुत कुछ कर दिखाया, जिससे कि जैसे कि हमारे राम मंदिर में राम करवाया, और इससे ज़्यादा और क्या होगा। मैडम महिलाओं की सुरक्षा की बात करूं, योगी सरकार में अपने आप को ज़्यादा महफूज मानती हैं या अखिलेश की सरकार में मानती? मोदी की। क्यों? बहुत कुछ किया उन्होंने, कानून व्यवस्था बढ़िया है। बढ़िया बिल्कुल। प्रियंका गांधी भी कह रही है लड़कियों लड़ सकती हूं, क्या लड़ पाएंगी? नहीं लड़ पाएंगी, योगी जी के आगे नहीं लड़ पाएंगी। ठीक है, और आगे बढ़ते जाते हैं दिखाते हैं आपको जनता का मूड। मैं आ चुकी हूँ कपड़े मार्केट में, दिखाना चाहूंगी आपको ये बहुत
मशहूर कपड़े मार्केट है और यहाँ पे जानूंगी लोगों से कि क्या माहौल है यहाँ पे। मैडम आपके 2 मिनट चाहूंगी। 2022 के यूपी चुनाव की बात करूँ, क्या लगता है किसकी सरकार बनने वाली है? मोदी जी बताएंगे। मोदी जी क्यों? अच्छे काम किए, जैसे कि लड़की कोई गुंडाराज नहीं है, चोरियाँ नहीं है, बहुत चीजें हैं, लड़कियों की सेफ्टी है। लड़कियों की सेफ्टी अखिलेश सरकार में थी कि नहीं थी? बिल्कुल भी नहीं थी। घर में से घुसा के तो लड़कियाँ उठ रही थी। हम तो ठीक है, आगे इन दुकानदार से बातचीत करना चाहूंगी। भैया जी, क्या लगता है 2022 में आपकी किसकी सरकार है जी? किसकी सरकार बनने वाली? सरकार बनेगी। क्यों? बढ़िया कर रहे हैं सबका। क्या विकास हुआ है? विकास, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, राशन पानी बिजली किसी में नहीं? नहीं, सब बढ़िया हो रहा है। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं योगी जी झूठ बोल रहे हैं। वो तो जी उनकी बात है अपनी। तो अखिलेश की सरकार में विकास हुआ था कि नहीं हुआ था? सबकी में हो रहा विकास जी। योगी जी को क्यों वोट दे रहे हैं आप? योगी जी बढ़िया कर रहे हैं सब। इस वक्त मैं सूट और दुपट्टे की शॉप में मौजूद हूँ और आपसे बातचीत करना, जरा आगे आ जाइए आप, मैं आपसे थोड़ा सा बातचीत करना चाहूंगी। 2000 आगे आ जाइए, डरिए मत, दो आइए आइए, प्लीज आइए। 2022 के चुनाव की बात करूँ, किसकी सरकार बनती दिख रही है? बीजेपी की। क्यों? काम कर रही है योगी सरकार। क्या काम कर रही है? गुंडागर्दी खत्म है, हर चीज खत्म होने जा रही है। देखो माफियावाद भी खत्म हो रहा है। सुरक्षित है बेटियाँ? हाँ सुरक्षित है। इस टाइम राशन पानी पूरा मिला हुआ है, सब चीज मिल रही है। कोरोना काल में मार झेली सरकार ने, कुछ फायदा दिया कि नहीं दिया? दिया। क्या? सुरक्षा अपने हाथ में। तो अब की बार किसकी सरकार बोल रहे हैं आप? बीजेपी की। ठीक है, आगे लोगों से बातचीत करेंगे, बढ़ते जाएंगे और आपको दिखाते जाएंगे कि जनता की क्या राय है चुनाव में। क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार बनने वाली है? 2022 में योगी जी की सरकार बनेगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने सारी गुंडागर्दी खत्म कर दी। पहले जो लेडीज अकेले में जाती थी डरती थी, अब वो अकेली खुद जा सकती हैं कहीं भी। अच्छा, ये तो बात हो गई महिलाओं की। स्वास्थ्य की बात करूँ, दोनों टीके लगाए आपने? जी। फ्री में लगे? जी, दोनों टीके फ्री लगे। ठीक है, तो सरकार से खुश हैं आप? 5 साल के कार्यकाल से बिल्कुल खुश? बिल्कुल खुश है हम। भैया जी, क्या लगता है 2022 के चुनाव में क्या होने वाला है, किसकी जीत होने वाली है, किसकी हार होने वाली है? आने तो योगी जी चाहिए और हम प्रेरणादायक भी हमारे मोदी जी हैं, मगर हमारे जो मोदी नगर का कैंडिडेट हम बदलना चाह रहे हैं। 5 साल में योगी सरकार के कार्यकाल में खुश हैं आप? उनके कार्यकाल से हम बिल्कुल खुश हैं, लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधियाँ उनसे खुश नहीं हैं कोई से भी। अखिलेश की सरकार की बात करूं तो? नहीं, हम सरकार से कोई मतलब नहीं, हम गैर राजनीतिक संस्था से हैं। पहले एक प्रयास हमारी संस्था है, वृक्षारोपण करते हैं हम पहले एक प्रयास से, और आप देख रहे हैं ये पेड़ हमारे लगाए हुए हैं। स्वच्छता अभियान चलाते हैं और पेंटिंग करते हैं हमारी लड़कियां जो हमारी टीम में हैं। तो हमारा काम है स्वच्छ वातावरण, सुंदर वातावरण। तो अब की बार योगी सरकार? नहीं, योगी सरकार है लेकिन हम कैंडिडेट बदलना चाह रहे हैं। हाँ, समस्या ये है कि आप देख सकते हैं कितनी गंदगी का माहौल बना हुआ है और हम परेशान हैं, सुनवाई कोई नहीं, चाहते हैं योगी जी को और मोदी जी को ही। भैया जी से बात करूंगी, यहाँ पे शॉपकीपर से बात करना चाहूंगी, क्या लगता है 2022 के चुनाव में किसकी जीत होगी? बीजेपी। क्यों? योगी जी आएंगे बस। क्यों आएंगे? ये काम अच्छा कर रहे हैं वो सब चीज़ पर, मतलब जैसे आपके ये भूमाफिया हैं और जितनी गुंडागर्दी हो रही सब कम हो रही हैं, ठीक है, और विकास हो रहा है यूपी का, सबसे बड़ी बात यहाँ है, हमें विकास चाहिए जी। विकास हुआ था 5 साल में? हाँ जी, विकास हुआ। अखिलेश की सरकार में 5 साल हुआ? नहीं जी, गुंडागर्दी हुई है सरकार। गुंडागर्दी हुई है तो वापस आएंगे तो गुंडागर्दी हो जाएगी अखिलेश के साथ? योगी जी, लेडीजों का निकलना भरना भी भारी था जी 5 साल पहले, अब सेफ है महिला मौजूद है। मैडम कह रहे हैं कि 5 साल में महिलाएं बिल्कुल सेफ है, क्या लगता है आपको योगी की सरकार में आप सेफ हैं? हाँ जी सेफ है। अखिलेश की सरकार में थी? हाँ, उसके सरकार में तो लूट मार यही, निकलना बाहर लेडीजों का बंद था। भाई साहब, क्या लगता है 2022 के चुनाव की बात करूं तो? सिर्फ और सिर्फ मोदी और योगी। क्यों? आप क्षेत्र का विकास देख लीजिए और क्या देखना है इससे ज्यादा, में बॉर्डर पर देख लीजिए क्या हो रहा है। आज तक पत्थरबाजी रुकी थी, इस सरकार में रुक गई, इससे ज्यादा और हम लोगों को क्या चाहिए? सेना का जवान मर रहा था, आज नहीं मर रहा। क्यों नहीं मर रहा? मोदी योगी बैठे हैं। उससे पहले की सरकारों ने कभी कुछ नहीं किया, कहते थे रक्षा के लिए पैसा नहीं है, आज कहाँ से पैसा आ गया? वो आज पैसा भी है, सामान भी है और सेना भी है, हर चीज़ है, पहले क्यों नहीं थी? इसलिए मोदी और योगी, बाकी कोई नहीं आना। ठीक है, तो कह रहे हैं कि मोदी और योगी दोबारा आएंगे और लोगों से जानते हैं। मैं आ गई हूँ बर्तनों की लाइन में और जानूंगी यहाँ पे लोगों से जनता का मिजाज, क्या लगता है भाई साहब 2022 के चुनाव में क्या होने वाला है? बीजेपी जीतेगी। क्यों?
सब तरफ चारों तरफ काम अच्छे करें, इसलिए बीजेपी जीतनी चाहिए और हमारा तो पूरा सहयोग रहेगा उसे जिताने में। अखिलेश की सरकार में कुछ विकास हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, विकास हुए पर जितना विकास इनके राज में हुआ उतना उसके राज में नहीं हुआ, इसलिए बीजेपी आनी चाहिए। क्या लगता है भैया जी 2022 में किसकी सरकार? बीजेपी आएगी, बीजेपी आनी है, तो उसके अच्छे कामों के वजह से। अच्छे कामों के। मैडम क्या लगता है 2022 में अच्छे काम किए हैं? 2022 में आएंगे दोबारा? हाँ जी आएंगे। क्यों? अच्छे काम किए जी उसने। महिला सुरक्षित है कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अंकल जी 2022 में किसकी सरकार? योगी की सरकार बनेगी। क्यों? तो विकास करे उसने। क्या विकास? सारे विकास करे, सड़कें उड़के बनाई है, बहुत विकास करे, महिला सुरक्षित है। और क्या लाभ मिला? बहुत बढ़िया। अखिलेश की सरकार में मिला था कुछ? 2022 के चुनाव के अंकल जी बात करूं, क्या लगता है किसकी सरकार बनने वाली है? जिसके तुम बनवा दो। अरे आपको पता होगा, आप जनता हो। हम तो बीजेपी को ही दे रहे हैं ज्यादातर वोट। क्यों? हैं? अब क्यों का तो कोई सवाल ही ना। तो विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? बात बता दे तो उसमें फिर क्यों का तो सवाल ही खत्म हो जा। कोई खास वजह रही होगी? अब वजह ये है कि जो काम कर रहा है बीजेपी कर रही है, और कौन कर रहा काम, और कौन है इसके उसमें? अखिलेश नहीं कर रहे ना। अखिलेश की सरकार में कोई विकास नहीं हुआ था। क्या 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 कहना है आपका? आपको क्या लग रहा है कि आप जितनी मार्केट कर रहे हो, मेरा क्वेश्चन आपसे कि आप जितने लोगों से बात करोगे, आप शाम को उसका ग्राफ निकालना। समझो मैं एक तरह अखिलेश की तारीफ कर रहा हूँ और सब अखिलेश की बुराई कर रहे हैं, तो आप जब ग्राफ शाम को निकालोगे तो उसका निकल कर निचोड़ आएगा कि बीजेपी जीत का कारण क्या है। इतने कम समय में इसने बहुत कुछ करा है। सबसे बड़ी बात है महंगाई से लोग बाग परेशानी है, जितनी गुंडागर्दी है तो बात वो सब खत्म है। बीजेपी शासन में डरता आदमी, मुलायम शासन में डरता नहीं था। थाने में फ़ोन कर दिया, हाँ जी छोड़ दो, मेरा आदमी छोड़ दो, बीजेपी वाले को तो कोई भी नहीं जाता। सबसे बड़ी बात है बीजेपी से संतुष्ट है। आज दुनिया भर का गेहूँ चावल रिफाइंड चना एक गरीब टपके को सबको मिल रहा है, मुझे भी मिल रहा है। अगर मैं लाइन में लगता हूँ तो मुझे ही मिलेगा, पर अपने काम में लगे हुए हमें लाइन में लगने का समय नहीं है। पर सच ये बीजेपी से मैं संतुष्ट हूँ। कितने नुकसान से ही हमारे यहाँ डॉक्टर मंजू श्रीवाज के लिए कुछ लोगों का ये था कि भाई ये विधायक पद पर बढ़िया नहीं, पर राष्ट्रीय हित के लिए और हिंदू तत्व के लिए इससे बढ़िया सरकार नहीं। भैया जी क्या लगता है, संतुष्ट है बीजेपी की सरकार से? संतुष्ट तो है, लेकिन महंगाई के कगार पर पब्लिक परेशान है। तो कह रहे हैं महंगाई नहीं है। महंगाई है, महंगाई बहुत है, रोजगार है नहीं। रोजगार तो खत्म कर दिया बीजेपी ने। भाई रोजगार देते पब्लिक के लिए तो कोई बुराई नहीं थी। शासन ठीक है, मकान नहीं बनवाए, टॉयलेट नहीं बनवाई, सड़क थोड़ी बनवा, भाई सड़क खाने के लिए तो थोड़ी दे रही है कि भाई आपने गेहूँ, आप देखो सब्सिडी खत्म कर दी इन लोगों ने। सब्सिडी क्यों खत्म कर दी भाई? सब्सिडी देते रहते हैं आप मोदी मतलब बीजेपी से संतुष्ट नहीं हो? नहीं बुराई नहीं, चीज की तरफ जा रहे हैं कि जो सब्सिडी दे रहे थे ये नुकसान क्या हुआ इस भाई से मेरी बात समझो, इस गवर्नमेंट में नुकसान क्या करा आपने? अपना नुकसान क्या हुआ आपका पर्सनल? बस और हमें चाहिए कि हमें देश हित के बारे में सोचना चाहिए, कमाओ और खाओ है और खुद कमाना है। गवर्नमेंट सुनो, महंगाई से परेशान है, सुरक्षित है, सुरक्षित महसूस करती है योगी सरकार? सुरक्षित तो है भाई, सुरक्षित। ठीक है आगे बढ़ते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। क्या लगता है 5 साल में कितना विकास? बहुत विकास हुआ है। अगर महंगाई बढ़ रही है तो विकास भी तो हो रहा है। और अब दंगाइयों को देखो, जो ट्रेन बस आगजनी करते थे उनके पोस्टर लगवा दिए जाए चौराहे पे, अब करके देख लो कोई भी। पहले कितने वो गुंडागर्दी होती थी, है जहाँ भी जाओ फल वाले कुछ उल्टे सुधे बोलते दुनिया भर के। अब कहाँ महंगाई, पहले सिलेंडर का 400-450 रुपये का था, अगर वो आज 900 रुपये का भी है तो 900 रुपये लेकर भी संतुष्ट है। क्योंकि घर का काम छोड़ो, लेडीज हो या आदमी हो, कोई भी काम छोड़ के जब वो पहले जाता था वहाँ एक दो दो तीन तीन घंटे लाइन में लग के, और सिलेंडर ख़त्म हो गए, सिलेंडर ख़त्म हो गए, फिर वापसी घर है 100 रुपये जाने के, 100 रुपये आने के, 200, फिर दो तीन बार और गया जब जाकर सिलेंडर मिला था। तो इंसान आजकल जो देखता है वो ये देखता है, फेनल्टी देखता है। वो बुलडोजर चला है माफियाओं पे योगी की सरकार में। योगी सरकार में सबसे बड़ी जो बात हमारे साथ हुई है, हमारे यहाँ भी अभी 4 दिन पहले एग्जांपल में देता हूँ, हमारे यहाँ घर पे जैसे सिलेंडर ख़त्म हो गया था तो हमने एजेंसी पे फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास जो है आदमी नहीं है, हमारा जो आदमी है वो छुट्टी पे गया हुआ है। तो हमें परेशानी थी, तो उन बंदे ने, भाई साहब ने जो हैप्पी होम गैस सर्विस है हमारी, उन्होंने एक बंदा साइकिल पर सिलेंडर लेके हमारे घर आया,
तो हमें यही बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन है। तो आप संतुष्ट है बीजेपी सरकार? महंगाई बढ़ी है, सिलेंडर 900 रुपये का होगा जैसे भाई साहब ने बताया कि महंगाई बढ़ी है, सब्सिडी नहीं आ रही, पहले 500 रुपये में भी 250 रुपये आते थे या 150-200 जो भी आते थे, बट कहीं ना कहीं अगर हम देखें इस चीज़ को अगर डेवलपमेंट होगा तो सरकार तो अपने पास से लगाएगी नहीं, तो कहीं ना कहीं से तो रेवेन्यू आएगा ही, तो वो भाई देश में लगेगा, तो वो चीज़ है, डेवलपमेंट हुई है जी। ठीक है, तो वो कह रहे हैं विकास खूब हुआ है, डेवलपमेंट खूब हुआ है। पहले महंगा भी तो लेते थे ना, पहले महंगा भी तो लेते थे, हैं 1500 1200 1200 रुपए का लेते थे सिलेंडर, अब ब्लैक से कितने ब्लैक से बिकता था, अब कोई ब्लैक में ले हुआ बताओ कौन है जो ब्लैक में लेता हो, तो है घर मिलता है सिलेंडर, लेडीज जाती थी बेचारी काम छोड़ छोड़ के, जिनके एक दो बच्चा है वो छोटे छोटे वही जाती थी, हैं पहले रिक्शा मिल जाती थी, अब रिक्शा भी ना मिलती है जल्दी से, हाँ 100 आने के 100 आने के अगर नहीं मतलब कुल मिला के आप बीजेपी से खुश हैं? बिल्कुल फर्स्ट क्लास, कोई चिंता नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब की बार किसकी सरकार? बस हमारी सरकार आएगी, योगी सरकार आएगी। हाँ, और क्या। आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं और भी लोगों से। अंकल जी क्या कर रहे हैं आप? काम कर रहे हैं जी अपना। काम कर रहे हैं आप, बताइए 2022 के चुनाव में क्या लगता है किसकी सरकार बनने वाली है? सरकार तो योगी आनी चाहिए। क्यों? मैं देखो महंगाई तो हो ही रही है, पर महंगाई के साथ साथ विकास भी बढ़िया हो रहा है, इससे सही है अपना ये सरकार जो हमारे सही है, पूरा विकास हुआ है। अखिलेश की सरकार में कोई विकास हुआ था ना? उसकी कोई उसमें तो गुंडागर्दी सारी। तो अब की बार योगी सरकार? हाँ योगी। आगे बढ़ते हैं, लोगों से बातचीत करेंगे। भैया जी 2022 के चुनाव की बात करूं, क्या लगता है किसकी सरकार आने वाली है? बीजेपी की। क्यों? फाइनल बीजेपी का है, उसमें नहीं RLD या उसकी नहीं, गठबंधन की सरकार नहीं चाहिए, पूर्ण बहुमत की सरकार, डबल इंजन सरकार। हाँ जी। क्यों, क्या विकास हुआ है खास? मैम आप रेलवे में देख लीजिए, ऑन रोड पे देख लीजिए, पहले मोदीनगर पे कोई नहीं आता था, अब जब से रैपिड रेल का काम हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज होता जा रहा है मोदीनगर। तो मैं आ गई हूँ जैकेट वालों के पास, और जैकेट ये फेमस जैकेट वाले बेचने वाले हैं, मैं आपको बता दूं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी सबसे पहले कि 2022 के चुनाव में किसकी सरकार बनती नजर आ रही है? मोदी की। क्यों? मोदी ने अच्छे काम किए, इसलिए। क्या काम किया? सारे काम अच्छे किए हैं, क्या काम अच्छा नहीं किया? एक साल नाज खिला दिया मोदी ने, तो मर जाते खूब रोज रेज की, राशन पानी सब आ रहा है। हाँ खूब बढ़िया। अखिलेश की सरकार में आ रहा था? अखिलेश की में 2.5 किलो दाने मिले थे, गरीब आदमियों ने जब भी ना मिले थे, बढ़िया बढ़िया आदमी ले जाते। क्या लगता है बाबा 2022 में किसकी सरकार? मोदी की सरकार, मोदी की। सबसे बड़ा झगड़ा कुछ नहीं है कहीं भी, और कोई पक्षपात नहीं है, कोई प्रशासन परेशान नहीं करता, अखिलेश की काम करते हैं, दुनिया भर का पैसा मांगते पुलिस वाले, कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी चीज़ से परेशानी नहीं है, मोदी सरकार चाहिए, ये काम करते हैं मोदी सरकार, योगी सरकार में। अखिलेश की सरकार में यहाँ से पैसे उगाए जाते थे, अब यहाँ कोई पैसा पुलिस वाला नहीं लेता, नहीं कुछ, और सबसे बात यह है सुरक्षित आना सुरक्षित जाना। माफियावाद खत्म हुई योगी सरकार में? बिल्कुल हुआ है जी, हुआ है भैया जी, बिल्कुल खत्म है, बहन बेटी सुरक्षित है। और कितना विकास हुआ? कह रहे 5 साल में विकास की गंगा बह रही है, कहाँ बह रही है? गंगा नहीं बह रही, देखी नहीं तुमने सड़क खड़ंजे, हमारी गलियों में ऐसे खड़ंजे बने हुए हैं जो मार्बल के बन रहे हैं, बढ़िया। हाँ जी, गंदगी खत्म हो चुकी है, कहीं मच्छर का नाम। तो बीजेपी सरकार से संतुष्ट है आप? बहुत बढ़िया। तो अब की बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। आगे और थोड़ी महिलाओं से बातचीत कर लेंगे। मैडम क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार बनेगी? पता ना मैडम मुझे, तो किसकी बना, किसको वोट देना चाह रहा है पब्लिक। तो आप किससे खुश हो, योगी सरकार से खुश हो? हाँ सब। क्या सुरक्षित महसूस करते हैं आप अपने आप को योगी सरकार में? हाँ सब बढ़िया करा योगी सरकार ने, क्या गलत करा? क्या कहाँ विकास हुआ? ये सब बढ़िया कर रहा है, सब राशन टाइम पे मिल रहा है, खाना पीना टाइम पे हो रहा है, राशन पानी सब बढ़िया है। तो ये थी मोदी नगर के गांधी मार्केट की जनता की राय, अब देखना होगा ऊंट किस करवट बैठेगा 10 मार्च को। देखते रहिए कैपिटल टीवी, कैमरामैन भोला के साथ मैं सोनाली, कैपिटल टीवी।